नमस्कार। आज आपको बताएंगे युवाओं में 16 साल से 25-30 साल के लड़कों में एक बुरी आदत बन जाती है, हस्तमैथुन। हस्तमैथुन एक वो क्रिया है जो अपने हाथों के द्वारा लिंग को मंथन करना, जो समाज में एक अनैतिक माना गया है, जो अनुचित तरीका है वीर्य त्यागने का, गलत व्यवहार सीखने का। काफ़ी बच्चे संगत गलत लोगों के पढ़ने की वजह से ये स्थिति आ जाती है। सेंसिटिव जो बच्चे माता पिता के प्यार में पले होते हैं, वो बच्चे अक्सर किसी विकृत मानसिकता के लोगों के साथ में रह के ये स्थिति सीख लेते हैं, जो उनके लिए दुखदायी होती है। हस्तमैथुन करने के बाद पर्याप्त पोषण नहीं होना, पोषण के अभाव में आदमी कमज़ोर हो जाता है, जिसमें मानसिक याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और मन नहीं लगना, ध्यान भंग होता है। ध्यान भंग भी दो प्रकार के होते हैं, निरंतर ध्यान भंग होना, एक अनिरंतर ध्यान भंग होना। दोनों अवस्थाओं में इंसान रुकावटें आती है और एकाग्रता खो जाता है। इसके परिणामों से संबंधित वो अनजान रहता है, उसे पता नहीं होता है कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। हस्तमैथुन के दुष्प्रभावों के कारण शरीर में खाया पिया वो भोजन पचता नहीं है, खाया पिया अंग नहीं लगता है और अपाचन की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जिससे हमेशा वायु विकार की शिकायतें करता रहता है। इस प्रकार वो आदमी एकांतवास का समय ज़्यादा लेता है और एकांत में कोशिश यही रहती है, उसका हाथ यंत्र चालित हो जाता है और यंत्र चालित हाथ को वो रोकना चाहे तो भी रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो फिर एक आदत बन चुकी होती है और फिर इस आदत को सुधारना चाहते हुए भी वो सुधार नहीं पाता है। तब क्या किया जाए, और स्थिति ये बन जाती है कि शादी से पूर्व वो एक शीघ्र पतन का शिकारी बन जाता है। फिर जगह जगह पे वो किसी को कहता तो नहीं है, बाकी उपचार ढूंढता रहता है और स्वयं प्रेरित उपचार लेने की कोशिश ज़्यादा करता है, क्योंकि किसी को बताता नहीं है। शर्म आनी शुरू हो जाती है, शर्म की वजह से वो पेपर पत्र पत्रिकाओं में और यूट्यूब जैसे चैनलों पे अपना इलाज ढूंढता है और स्वयं करता है, जिससे और पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार उस आदत को कैसे छोड़ा जाए, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को अच्छा संदेश मिल सके। अब बुरी जो आदत पड़ चुकी है, उसके लिए दो मूल उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों का आप कोशिश करें। एक तो उन लोगों के साथ ज़्यादा बैठें जो सेक्स संबंधित बातें ना करते हों और हस्तमैथुन को बुरा मानते हों, उनके साथ में। और दूसरा, एक नई आदत डेवलप करें, जैसे कोई जिम जाना शुरू कर दें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, इस प्रकार से, जैसे एक काम को छोड़ने के लिए दूसरा नया काम करना पड़ता है। मान लो किसी के पान खाने की आदत है, पान खाने की आदत है, एकदम छूटेगी नहीं, तो उसकी जगह अल्टरनेट उसे क्या दिया जाए, अर्थात उसकी जगह उसे यही कहा जाए कि इलायची चबाना शुरू कर दे या सुपारी ले, ताकि वो अभ्यास दूसरी जगह परिवर्तित हो सके। इस प्रकार से उपचार दिया जाता है, जिससे वो व्यक्ति अपना इलाज स्वयं कर सके। अगर आपको कोई समस्या हो, टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी का जवाब दूंगा। टेलीफोन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं,
150 फोनों को उठाना मेरे लिए संभव नहीं है। स्थानीय लोगों को देखना पड़ता है और सबको जवाब देना बहुत मुश्किल है। नंबर आ गए हैं, समय मिलेगा तो किसी को जवाब दूंगा, बाकी अन्यथा न लें। और जिनको उपचार की ज़रूरत हो व्हाट्सएप पे नंबर मैं देता हूँ, उनके ऊपर सशुल्क सेवा मिलेगी, ताकि पता चल जाएगा कि वास्तविक इलाज कौन कराना चाहता है और वास्तविक इलाज कौन नहीं कराना चाहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।